आज माधुरी दीक्षित का 56वां जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको ले चलते हैं झारखंड के जमशेदपुर। यहाँ के साक्षी मार्केट में बसंत सिनेमा के पास एक चाट की दुकान है, नाम है मनोहर चाट। इस दुकान की चाट जितनी फेमस है उसे ज्यादा फेमस है इसके मालिक पप्पू सरदार। ये फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के सबसे बड़े फैन है। माधुरी फैन के रूप में इतने फेमस है कि अगर चिट्ठी पर पते की जगह सिर्फ माधुरी दीक्षित का फैन जमशेदपुर झारखंड लिखकर भी पोस्ट कर दे तो ये चिट्ठी इन तक पहुंच जाएगी। पप्पू सरदार को ऐसे ही माधुरी का सबसे बड़ा फैन नहीं कहा जाता है, खुद माधुरी ने इन्हें राखी बांधी है। 27 सालों से माधुरी का बर्थडे धूमधाम से मना रहे हैं। 1999 में जब माधुरी अमेरिका में शादी कर रही थी तो पप्पू सरदार ने जमशेदपुर में बारात निकालकर 200 लोगों को रिसेप्शन की पार्टी भी दी थी। इन्होंने एक अलग कैलेंडर भी बनाया है जो माधुरी के जन्मदिन यानी 15 मई से शुरू होता है। ये जब भी माधुरी की बात करते हैं उन्हें अपनी बहन और उनके पति डॉक्टर श्री राम नेने को जीजाजी ही बोलते हैं। इनकी दीवानगी पर अमेरिका के कुछ रिसर्चर भी रिसर्च करने भारत आ चुके हैं और बकायदा इन पर एक पूरा आर्टिकल अपनी रिसर्च बुक में भी छापा है। पप्पू ने अपने एक छोटे से घर का एक कमरा माधुरी को डेडिकेट किया है। एक दिन पप्पू ने मायापुरी में पढ़ा कि 15 मई को माधुरी का जन्मदिन होता है तो उन्होंने 1996 में पहली बार माधुरी का जन्मदिन मनाया और अपनी चाट की दुकान का सब कुछ फ्री में लोगों को खिलाया। ऐसी भीड़ जमा हुई कि पुलिस ने उन्हें बहुत डांटा लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें कोई पागल, कोई बेवकूफ, कोई दीवाना कहता था, फिर भी उन्होंने हर साल बर्थडे मनाने का ट्रेंड जारी रखा। 1998 में मीडिया को खबर लगी तो हर कोई उन्हें सपोर्ट करने लगा। पप्पू की दुकान भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ चारों तरफ माधुरी की फोटो लगी है, उनकी दुकान देखने लोग दूर दूर से आते हैं। उन्होंने माधुरी दीक्षित को डेडिकेटेड एक स्पेशल कैलेंडर बनाया है। उस कैलेंडर में 15 मई से साल की शुरुआत होती है। इसे उन्होंने 2004 से 2005 में लॉन्च किया था। उन्होंने माधुरी के जन्मदिन पर एक बार ट्रेन के शेप का केक बनवाया था। उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था कि किसी ट्रेन का नाम माधुरी दीक्षित के नाम पर रखा जाए। फिर उन्होंने 2004 में एक सरकार को लेटर लिखा था जिसमें माधुरी के जन्मदिन पर नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग की थी। जब भी कभी देश में कोई आपदा आती है तब पप्पू माधुरी दीक्षित के नाम पर 11,000 रुपए दान करते। उनकी मां की मौत के समय भी उनके नाम पर महाराष्ट्र के गुरुद्वारे में पैसे भिजवाए थे। अमृतसर के पिंगलावाड़ा के लिए भी हम माधुरी दीक्षित के नाम पर पैसे भिजवाते हैं। कोरोना काल में पप्पू ने माधुरी दीक्षित के नाम पर डोनेशन किया था। पप्पू ने माधुरी से राखी बंधवाई है। उस एक राखी के बदौलत 400 लड़कियां आज उन्हें राखी बांधती है। इसी साल 12 मार्च को जब माधुरी दीक्षित की मां का निधन हुआ तो पप्पू ने जमशेदपुर में पूरी कार्यक्रम से जुड़ी रस्में निभाई, लोगों को खाना खिलाया। 2007 में कुछ मीडिया के लोगों ने पप्पू सरदार की मुलाकात माधुरी से करवाई। पप्पू फ्लाइट से मुंबई गए थे। पप्पू ने सोच लिया था कि माधुरी से मिलने से पहले पानी तक नहीं पिएंगे। मुंबई में माधुरी यशराज स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी। जब लोग उन्हें स्टूडियो ले गए तो वह इतने भावुक हो गए कि रोने लगे। मुलाकात के दौरान लोगों ने जब माधुरी को उनके बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें राखी बांधी। पप्पू ने राखी बांधने पर माधुरी को 1 रुपया दिया था। 2002 में जब माधुरी दीक्षित की फिल्म देवदास रिलीज हुई थी तो पप्पू ने जमशेदपुर में रोड शो किया था। 2019 में जब माधुरी की फिल्म टोटल धमाल रिलीज हुई तो वह 600 महिलाओं को लेकर फिल्म देखने गए थे। लंदन में इमोशनल फैन नाम की एक बुक छपी है जिसके लिए अमेरिका के कुछ लोग पप्पू पर रिसर्च करने भारत आए थे। वे उनके घर भी आए थे। उस कमरे में बैठा कर उन लोगों ने पप्पू की फोटो ली थी जिसमें केवल माधुरी की तस्वीरें लगी हैं। आज पप्पू इतने फेमस हो गए हैं कि दूर दूर से लोग उनसे मदद मांगने आते हैं। पप्पू की पत्नी और एक बेटा है। उन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में अपाहिज बच्चों की संस्था को नॉमिनी बनाया है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो सारे पैसे उनके परिवार को नहीं एक संस्था को मिलेंगे। पप्पू के पास बड़ा घर नहीं है, पत्नी हार्ट पेशेंट है, उनके पास अपना कुछ नहीं है,
पप्पू के रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया है। पप्पू कहते हैं कि जब मीरा ने कृष्ण भगवान की भक्ति की तो घर वालों ने भी उसे पागल समझा था। फिर तो मैं एक आम आदमी हूँ। हम भगवान की भक्ति करें या इंसान की, भक्ति तो भक्ति ही है। मेरा और माधुरी का रिश्ता विधाता ने जोड़ा है। पप्पू ने कहा कि इस साल माधुरी की मम्मी का निधन हुआ है तो हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। हमने भजन मंडली बुलाई है जो रात भर जगराता करेंगे। दर्शकों, कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें आईडी टीवी इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।